साथियों नमस्कार। आज मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नया विषय लेके। बहुत लोगों के जो उपासक हैं, जिनके अनिष्ट देव हैं, वो श्री कृष्ण होते हैं और बहुत लोगों के राम होते हैं। श्री कृष्ण और श्री राम दोनों अपने आप में एक अद्भुत प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं और इनको हम लोगों ने, हमारे ग्रंथों ने, हमारे पूर्वजों ने भगवान का दर्जा दिया है। बहुत लोग भगवान श्री कृष्ण को अच्छा बतलाते हैं, बहुत लोग श्री राम को अच्छा बतलाते हैं। आइए इस विषय पे मैं अपने अध्ययन से या अपने अनुभव से, जितनी मैंने अब तक अध्ययन किया, जितनी किताबें पढ़ी हैं, उसके हिसाब से मैं आज व्याख्या करने की कोशिश करता हूँ। जब राम ही कृष्ण और कृष्ण ही राम हैं, तब अंतर बताना उचित नहीं। भारतीय जन के परम आदर्श राम हैं और कृष्ण भी। ये दोनों भारतीय धर्म परम्परा के ऐसे प्रज्ञा पुरुष हैं जिनसे हर देश काल का व्यक्ति प्रेरणा लेता है, मर्यादा की भी और असीमता की भी। जीवन हो मर्यादा जैसा, लेकिन धर्म और न्याय के रक्षार्थ कृष्ण होना भी पड़ता है। मानव मन भेद में जीता है, इसलिए सामान्य जनों के लिए ये अंतर कर पाना बहुत मुश्किल है। जा कलाओं की बात करते हैं तो कहते हैं कि भगवान राम में 12 कलाएँ विद्यमान थी और श्री कृष्ण में 16 कलाएं विद्यमान थी। श्री कृष्ण में जो अतिरिक्त कलाएं थी वह उस युग के मान से जरूरी थी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जीवन मर्यादाओं को कभी तोड़ता नहीं है, जबकि कृष्ण समय समय पर अनेक तरह के बदलाव करते रहते हैं। समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मर्यादा जरूरी है, इसलिए प्रभु श्री राम को पुरुषों में उत्तम कहा गया है। राम का जीवन एक आदर्श है तो कृष्ण का जीवन एक उत्सव। पुत्र के रूप में वनवास, भाई के रूप में पादुका त्याग और पति के रूप में सीता वियोग, राम के दुखों का न कोई ओर न छोर, लेकिन फिर भी वह मर्यादा को नहीं त्यागते, सत्य के पथ पर अटल रहते हैं। राम अपने हर रूप में धर्मार्थ किसी न किसी सुख की बलि देते हैं। वही शस्त्रधारी राम युद्ध क्षेत्र में हर खोया सुख और पूर्ण सम्मान जीतने में समर्थ हो जाते हैं। कृष्ण बेहद राजनैतिक अवतार हैं। वो कभी जरासंघ के भय से युद्ध छोड़कर भाग जाते हैं और रणछोड़ कहलाते हैं, अर्थात वे परिस्थिति खराब होने पर मैदान को छोड़ना बुरा नहीं मानते। वे समय पर परिस्थितियों के अनुसार ही कार्य करते हैं। यही एक राजनेता की सबसे बड़ी पहचान होती है। दूसरी ओर राम कोई राजनेता नहीं है, इसलिए उनके लिए समाज की मर्यादा और धर्म सम्मत आचरण ही सर्वोपरि है। जीवन चरित्र की बात करते हैं, भगवान राम का जीवन ही गीता है या कहें कि धर्म सम्मत है, जबकि कृष्ण का जीवन हमें शिक्षा देता है कि धर्म रक्षार्थ कई बार धर्म विरुद्ध आचरण भी करना पड़ता है। दरअसल राम अपने जीवन, दर्शन और व्यवहार में लौकिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, जबकि भगवान कृष्ण के जीवन, दर्शन और व्यवहार के बहुआयामी पक्ष हैं। राम की जीवन शैली आपको जीवन में बाधाओं से उबरने का मार्ग प्रशस्त करती है, वहीं दूसरी ओर कृष्ण के जीवन से सुखी जीवन की प्रेरणा मिलती है। दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं, भगवान राम सामाजिक नियमों का पालन करते हुए सिर्फ एक पत्नी व्रत धारण करते हैं, जबकि कृष्ण की 8 पत्नियां थीं। भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी के वियोग में 2 वर्ष बिताए, जबकि श्री कृष्ण को कभी पत्नी का वियोग हुआ ही नहीं। कृष्ण की विवाह परिस्थितियां भी भिन्न थी, परंतु राम ने मुरली और रास माधुर्य नहीं दिखाया, एक पत्नी व्रत रखा। राम ने सबके प्रेम को ठुकरा दिया। राम ने सीता जी से प्रेम किया, उन्हीं से विवाह किया, परंतु कृष्ण ने प्रेम तो राधा से किया, लेकिन विवाह रुक्मिणी से, सत्यभामा से, जामवंती से, कालिंदी से किया। राम का विवाह विधिवत रीति रिवाज से संपन्न हुआ, परंतु कृष्ण ने समस्त विवाह गंधर्व रीति से किया। राम को देखा जाए तो गृहस्थी का सुख उन्हें ना के बराबर मिला, इसके ठीक विपरीत कृष्ण को सदैव ही गृहस्थी का सुख मिला। राम का नाम उनकी पत्नी के साथ लिया जाता है, जबकि कृष्ण का नाम उनकी प्रेमिका राधा के साथ लिया जाता है। वन और महल की बात करते हैं, राम का जीवन बचपन से ही वन में वनवासी, ऋषि, आदिवासियों के बीच ही रहकर धर्म कर्म के कार्यों में रहा। उन्होंने ऋषियों की रक्षार्थ असुरों का वध किया और वनवासियों को शिक्षित और संगठित किया। दूसरी ओर श्री कृष्ण का सामना बचपन से ही राजनेताओं, राजाओं से रहा। राम महलों में पैदा हुए, पले और बाद में वनवास किया। कृष्ण बाद में महलों में गए, पैदा जेल में हुए, पहले गोकुल में। बंदी गृह में जन्मे कृष्ण को शैशव में ही दांव पेच की विभीषिकाओं से जूझना पड़ा। राम ने तो तपसी, वनवासी और उदासी का जीवन ही जीकर ही धर्म की रक्षा की।
अर्थव्यवस्था को दिया विस्तार। भगवान श्री कृष्ण और उनके 18 कुल के लोगों का कार्य गोपालन था। श्री कृष्ण ने इस क्षेत्र को व्यवस्थित कर इसका विस्तार किया, जबकि भगवान राम ने 14 वर्षीय वनवास काल में वन भूमि में कृषि का विस्तार किया, झोपड़ी या पन्नकुटी में रहना सिखाया और वनवासियों की भूख का समाधान किया। राम की कर्मभूमि पूर्वी और दक्षिण भारत है, जबकि कृष्ण की कर्मभूमि उत्तरी और पश्चिमी भारत है। भक्त की बात करते हैं। सर्वशक्तिमान हनुमान, अंगद, लक्ष्मण, सुग्रीव, जामवंत जैसे लोग राम के परम भक्त थे। प्रभु श्री राम की भक्ति को स्वयं शिव भी करते हैं। दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण को भगवान समझने के लिए अर्जुन और बलराम को भी वक्त लगा, तो दूसरे की बात करना व्यर्थ है। श्री कृष्ण तो अपने भक्तों के भक्त थे। भक्ति के वे सारे मार्ग जो दूसरी ओर जाते हैं, वे सभी घूमकर श्री राम की तरफ आते हैं। श्री कृष्ण का सहयोग भी भगवान हनुमान ने दिया, क्योंकि श्री कृष्ण राम ही तो हैं। राम अपने मित्रों को बिना मांगे ही उनकी वांछित वस्तु दे देते हैं, जैसे कि सुग्रीव और विभीषण को उन्होंने बिना मांगे ही क्रमशः बाली और रावण का राज्य प्रदान किया। इसके विपरीत कृष्ण ने मित्र सुदामा को उसके याचना करने के बाद ही वैभव प्रदान किया। युद्ध नीति की बात करते हैं तो भगवान राम की युद्ध नीति और कृष्ण की युद्ध नीति में बहुत अंतर है। राम ने अपने सम्मान की लड़ाई लड़ी, जबकि कृष्ण की लड़ाई अपने लिए नहीं बल्कि धर्म रक्षार्थ थी। भगवान राम ने रावण को मारने के लिए कई तरह की कठिनाइयों का सामना किया। पापियों का वध की बात करते हैं। भगवान राम ने एक एक करके वन में और अन्य जगहों के पापी असुरों का समय समय पर वध किया, लेकिन कृष्ण ने सभी को एक जगह एकत्रित करके निपटा दिया। एक कंस पापी संहारे, एक दुष्ट रावण मारे, दोनों अघिन दुखहर्ता, दोनों बल के धाम। अन्य अंतर क्या क्या थे? भगवान राम का चरित्र सर्वथा अनुकरणीय है। भगवान कृष्ण का चरित्र चिंतनीय है। राम का जन्म त्रेता युग में चैत्र शुक्ल नवमी को दिन ठीक 12 बजे हुआ, जबकि कृष्ण का जन्म द्वापर युग में भादों के कृष्ण पक्ष अष्टमी को रात्रि के 12 बजे हुआ। जहां राम के जन्म के समय चारों ओर उजाला ही उजाला था, वहीं कृष्ण के जन्म के समय घटाघेप घनघोर अंधेरा था। राम का जन्म महल के अंदर हुआ और कृष्ण का जन्म जेल के अंदर हुआ। राम श्याम वर्ण के थे तो कृष्ण काले वर्ण के थे। अंत में कहना चाहेंगे कि प्रभु श्री रामचंद्र जैसा बेटा हर पिता को मिले और उनके जैसा पति हर स्त्री चाहती है, यह सबसे बड़ा अंतर है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।